जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने कोशिश की थी एंड वी वर सक्सेसफुल इनफ। हमने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि MNS का फॉर्म आने वाला है 17 फरवरी को और लास्ट डेट उसकी है 10 मार्च को। यानी कि जो भी गर्ल डिफेंस एस्पिरेंट जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फॉर्म का वेट कर रही थी, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म 17 फरवरी को आ रहा है और 10 मार्च लास्ट डेट है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर की थी और आप तक पहुंचाया था। व्यूअर्स, जैसे ही हमने ये वीडियो डाली, सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आने लग गए बच्चों के कि भाई क्या सिलेबस है MNS का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MNS का क्या सिलेबस है, टोटल सिलेबस ऑफ MNS। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है MNS 2021 सिलेबस। देखिए, MNS का ये जो पेपर होता है ये 90 मिनट का होता है, डेढ़ घंटे का, एक घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। इसमें साइंस आता है, साइंस को तोड़ें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें इंग्लिश आता है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस आता है। तो आज मैं इन तीनों टॉपिक्स, साइंस का, इंग्लिश का और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस आप तक पहुँचाऊँगा। व्यूअर्स, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पर है और लाइट्स का इफेक्ट हो सकता है कि आप तक ये रिफ्लेक्शन ना पहुंच पाए, रिफ्लेक्शन की वजह से आप तक सिलेबस ना पहुंच पाए, तो आप सिलेबस को खुद स्वयं यू कैन रीड इट। आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं www.blog.trishuldefenseacademy.com और वहां पे जाके आप MNS 2021 का सिलेबस डाल के पूरा का पूरा सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। MNS की पहले इंपॉर्टेंट डेट समझें। MNS की इंपॉर्टेंट डेट नंबर 1, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है 10 मार्च को। 10 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। आपका रिटन अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट टेंटेटिव अप्रैल के मंथ में आपका रिटन होगा और जून के मंथ में आपका इंटरव्यू होगा। MNS में प्रोसेस क्या है, पहले रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन के बाद इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का अप्रैल में रिटन है और पर्सनल इंटरव्यू जो हो है वो एक्सपेक्टेड है कि जून में होगा। MNS की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, सेटअप मिलिट्री इमरजेंसी इन कॉम्बैट एरियाज, वॉर लाइक एरियाज में मिलिट्री इमरजेंसी पूरा सेटअप करने का काम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नर्सिस का है। तो पहला काम जो MNS का है वो है सेटअप मिलिट्री इमरजेंसी इन कॉम्बैट एरियाज, वॉर लाइक एरियाज में पूरा मिलिट्री इमरजेंसी को सेट करना। दूसरा, ट्रीट इंजर्ड सोल्जर्स। सबसे पहले जो हमारे सैनिक भाई हैं जो इंजर्ड हैं उनको तुरंत फर्स्ट एड देना, उनका ट्रीटमेंट। ये ऑफन वॉर एरिया में जहाँ कैजुअलिटीज हो रही हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो ऑन रेडियो पे वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऑफिसर्स, सोल्जर्स ऑन रेडियो आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको टेलीफोनिक भी मेडिकेशन बतानी है। यही हमने तीसरा पॉइंट लिखा है, रिकमेंड मेडिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रीट द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स, फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई। सोल्जर्स अगर बॉर्डर पे हैं और उनके फैमिली में किसी को कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। इमरजेंसी केयर पूरा का पूरा सेटअप करना। इमरजेंसी, जिसे हम ICU बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, किडनी का अलग होता है, ब्रेन्स का होता है, बट जनरली एक वर्ड होता है सिविल में ICU। ICU मतलब बंदा क्रिटिकल है, उसको प्रॉपर केयर चाहिए, तो ये ICU का सेटअप भी फौज में MNS के ही हाथों से होता है। चलें अब हम बात करते हैं MNS के सिलेबस की। अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा स्नैपशॉट देखा था जॉब प्रोफाइल के बारे में, अब हम सिलेबस की बारे में बात करेंगे। सिलेबस में मैं सबसे पहले आप लोगों के ईज के लिए इंग्लिश लूंगा। जी हाँ, इंग्लिश में सबसे पहले है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस शफल करने आने चाहिए, आपको idioms एंड phrases आने चाहिए। क्या क्या idioms होते हैं, कई कई जगह पे मुहावरे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसकी इंग्लिश है idioms एंड phrases, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है।
स्पॉटिंग द एरर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन से लेके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, सारे के सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने जरूरी हैं, क्योंकि उसमें से स्पॉटिंग द एरर्स होंगे। क्लोज टेस्ट जिसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं वो होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पैसेज, पैसेज को आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पैसेज दे दिया पैसेज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन होगा। मिसस्पेल्ट वर्ड, मिसस्पेल्ट वर्ड मतलब एक वर्ड दे देंगे उसकी सही स्पेलिंग आपको जाननी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां ई और आई में कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हमारे इंग्लिश के टीचर बी एल यादव सर हमेशा रूल बताते हैं, वो आप सुनेंगे, उनकी इंग्लिश की वीडियो देखेंगे तो आपको थॉरली क्लियर हो जाएगा। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज, पी क्यू आर एस जिसे बोलते हैं, ये शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज है, ये भी बहुत जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स जिसको क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग्स हो गया, जंबलिंग ऑफ वर्ड्स हो गया। जंबलिंग देखिए, जो सेंटेंसेज होते हैं वो दो तरीके से जंबल होते हैं, एक वर्ड्स जंबल होते हैं, एक सेंटेंसेज जंबल होते हैं, तो दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी इंग्लिश में। व्यूअर्स, इसका डिटेल्ड सिलेबस फिर से बोल रहा हूँ, blog.trishuldefenseacademy.com पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस समझ सकते हो। अब मैं बात करूँगा बायोलॉजी की, क्योंकि भाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, वर्ड है नर्सिंग सर्विस, तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सिलेबस रखता है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है साइंस का। बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसे इको बायोलॉजी भी बोलते हैं, इकोलॉजी बहुत ज़रूरी है ये। प्लांट्स की पूरी जिसे बॉटनी बोलते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में जुअलॉजी बोलते हैं, इनका पूरा फिजियोलॉजी अलग अलग, कैसे खा रहे हैं, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे ब्रेन ब्रेन काम कर रहा है, कैसे हार्ट काम कर रहा है, कैसे किडनी काम कर रहे हैं, कैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे आपके अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, कैसे जब आप खाना खा लेते हो तो खाना टूटता है फैट में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, प्रोटीन्स में, ये पूरा जानना ज़रूरी है। ह्यूमंस की डिसीजेज़ कौन कौन सी हैं, ब्लड ग्रुप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, ब्लड ग्रुप से हमेशा दो सवाल पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल में सीमित नहीं है, इसमें इकोलॉजी भी है, इसमें एनवायरनमेंट बायोलॉजी भी है, एनवायरनमेंट बायोलॉजी जैसे एसिड रेन हो गया, इसमें आपका पूरा का पूरा साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी भी है। देखिए हम सब सेल से बने हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए सेल का, साथ ही क्लासिफिकेशन के, एनिमल्स के कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, प्लांट के कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो ये भी जानना हमें सबको जरूरी है। डिटेल्ड बायोलॉजी का सिलेबस हमारे ब्लॉग blog.trishuldefenseacademy.com पे अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। जेनेटिक्स, अक्सर हम लोग कहते हैं ना, ये जब बच्चा पैदा होता है कि ये उसके जैसा है, ये अपने फादर के जैसा है, ये अपने मदर के जैसा है, ये चाचा की जैसी इसकी नाक है, आँख इसकी मामा जैसी है, तो ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जेनेटिक्स है, ये ट्रेट्स हैं जो हम अपने पूर्वज से अपने शरीर में लाते हैं। और लॉज ऑफ जेनेटिक्स मेंडली ने बताया था, मेंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जेनेटिक्स से अक्सर एक्सपेरिमेंट होते हैं, अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत 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 ज़रूरी है चैप्टर जेनेटिक्स का। हमारे यहाँ सुजीत श्रीवास्तव सर इतना इतना प्यारा जेनेटिक्स समझाते हैं कि आपको हमेशा के लिए क्लैरिटी हो जाएगी, जेनेटिक्स अगर आप पढ़ोगे उनसे तो हमेशा हमेशा के लिए क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स की। फिजिक्स को 7 यूनिट में तोड़ा गया है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा साउंड वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, ये पूरा का पूरा ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स बहुत जरूरी है, ये लिखा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। न्यूक्लियर फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो ऐड हो गया है, पहले हम लोग 7 चैप्टर्स पढ़ाते थे, इसमें हम सेमीकंडक्टर्स अलग पढ़ाते थे 8वां चैप्टर, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ाते थे, अब MNS 2021 के सिलेबस में न्यूक्लियर फिजिक्स अलग से ऐड हो गया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा
आपका कार्बन, कार्बन के कॉम्पोनेंट्स, पीरियोडिक टेबल पीडीएफ, एसपीडीएफ पूरा का पूरा दिया है, एल्कोहल्स, ईथर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री को दो भागों में तोड़िएगा, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को भी तोड़िएगा फिजिकल केमिस्ट्री में एंड नॉन फिजिकल। तो ये पूरा पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा जब आप हमारे यहाँ हमारे टीचर्स से पढ़ेंगे, हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसमें डेमो वीडियोस देख सकते हैं। कुछ भी क्लैरिटी चाहिए यकीन मानिए, हमारे यहाँ कृति मैडम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, देवेंद्र सर पढ़ाते हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। इतने अच्छे से, आप मीडियम कोई भी हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपका इतना अच्छा थॉरो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि आप हमेशा के लिए संतुष्ट रहोगे कि हाँ मेरे को केमिस्ट्री पूरी आ गई। तो ये तो था केमिस्ट्री का कोर्स। अब जनरल इंटेलिजेंस, अक्सर डिबेट्स चलती हैं कि जी रीजनिंग आता है कि नहीं आता है, जनरल इंटेलिजेंस आता है कि नहीं आता है। व्यूअर्स, रीजनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो आपको पढ़ना है। रीजनिंग को दो भागों में तोड़िएगा, वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल पूरा का पूरा, इसमें रिलेशनशिप है, इसमें ब्लड है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें, जजमेंट है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये दिया हुआ है नॉन वर्बल में। वर्बल में आपका अलग चीज़ें दी हुई हैं। व्यूअर्स, डिटेल्ड सिलेबस हमने अपने ब्लॉग पे ऐड कर दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए एक एक टॉपिक को कवर नहीं किया है। इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की है कि क्या है रीजनिंग का पूरा सिलेबस। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कोशिश ये करता है कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंचाए। इसके लिए शायद एक आधा दिन वीडियो लेट भी हो, लेकिन वीडियो की जो 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 इंटीग्रिटी है, वीडियो के जो मैटर है, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डेडिकेटेड R&D सेल बैठा हुआ है जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बना रहा है। व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ आया हो। अब इन डिटेल्ड MNS की चीज़ों के लिए, MNS के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। साथ ही अगर ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, आप हमें वहाँ फॉलो करिए और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तुरंत लीजिए। ऑफलाइन बैचेस हर मंडे को नया स्टार्ट हो रहा है MNS का। टारगेट यह है कि इन 90 दिनों में हम आपका पूरा कोर्स ख़त्म करें और आपको इस लायक बनाएं कि जी आप MNS का फॉर्म भरो, MNS में सिलेक्शन लो। थैंक यू, जय हिंद।